करण जौहर ने बीती रात अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की। उसके लंबे चौड़े कैप्शन में उन्होंने लिखा कि वो एक कॉमेडियन की मिमिक्री से नाराज हैं। टीवी पर ऐसा काम देखकर उन्हें बहुत ठेस पहुंची। सोनी टीवी पर एक कॉमेडी शो शुरू हुआ है, उसका नाम मैडनेस मचाएंगे इंडिया को हंसाएंगे है। शो के एक सेगमेंट में कॉमेडियन केतन सिंह ने करण जौहर की मिमिक्री की। दिखाया गया कि कॉफी विद करण की तर्ज पर उन्होंने ट्रॉफी विद चूरन नाम का शो शुरू किया। वहां वो अपने मेहमानों को बुलाते हैं। सोनी ने इस हिस्से से एक क्लिप काटकर टीवी और सोशल मीडिया पर चलाई और करण ये देखकर भड़क पड़े। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, मैं अपनी माँ के साथ बैठकर टेलीविजन देख रहा था और तभी एक सम्मानजनक चैनल पर एक रियलिटी कॉमेडी शो का प्रोमो देखा। एक कॉमिक बहुत बुरी तरह से मुझे मिमिक कर रहे थे। मैं ट्रोल और बेनाम लोगों से ऐसी उम्मीद रखता हूँ, लेकिन जब आपकी अपनी ही इंडस्ट्री किसी ऐसे इंसान का तिरस्कार कर सकती है जो बीते 25 सालों से बिजनेस में है, तो ये आज के ज़माने के बारे में बहुत कुछ कह देता है। मुझे इस पर गुस्सा नहीं आता, मैं बस ये देख कर दुखी हूँ। एकता कपूर ने करण जौहर की स्टोरी को शेयर किया। उनके सपोर्ट में लिखा, ऐसा कितनी ही बार हुआ है, शोज में भद्दा ह्यूमर होता है और यहाँ तक कि अवार्ड फंक्शंस में भी, और फिर वो आपसे ये फंक्शन अटेंड करने की उम्मीद भी रखते हैं। करण प्लीज इन लोगों से कहिए कि आपकी एक क्लासिक फिल्म की नकल करके दिखाएं। मामला इतना बढ़ने के बाद केतन सिंह ने अपने एक्ट पर माफी मांगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक केतन ने कहा, मैं करण सर से माफी मांगना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि मैं जो भी एक्ट करता हूँ वो इसलिए है क्योंकि मैं कॉफी शो पर करण जौहर को बहुत देखता हूं, मैं उनके काम का मुरीद हूं। मैंने उनकी पिछली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 5 से 6 बार देखी है। मैंने उनके काम और उनके शो को देखा है और मैं बहुत बड़ा फैन हूं। अगर मेरे काम से उन्हें ठेस पहुंची है तो मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं। मैं बस दर्शकों का मनोरंजन करना चाहता था, लेकिन उस दौरान अगर मैंने कुछ ज्यादा कर दिया तो मैं उन्हें सॉरी कहना चाहूंगा। बाकी करण जौहर के काम की बात करें तो बतौर डायरेक्टर उनकी आखिरी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी थी। बतौर प्रोड्यूसर वो सलमान खान के साथ द बुल नाम की फिल्म पर भी काम कर रहे हैं। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी यमन ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।